सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल फोकट की जानकारी। सो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पार्ले का गत्ता कितने रुपए में आता है, अगर ये आप एजेंसी से लेते हैं तो आपको कितने में पड़ता है, या फिर आप कटिंग का प्रोडक्ट लेते हो यानी आप कटिंग से इसे खरीदते हो तो कितने रुपये में मिलेगा। सो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सा डाउट रहता है यही कि कटिंग वाला प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, कटिंग का माल कैसे खरीदेंगे, कटिंग का प्रोडक्ट क्यों सस्ता मिलता है, सारा कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है पुनः कि यदि आपके पास कोई किराना का दुकान है या फिर कोई भी छोटा या कोई दुकान खोलना चाहते हो तो फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि किराना से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्ट होता है सबका एक जेन्युइन रेट मैं बताता हूँ और सभी का एक एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 5 रुपए वाले पार्ले का होलसेल रेट क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए कि इसमें कितना बंडल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 144 पीस टोटल होता है, ठीक ना, 144 पीस होता है, और इसमें जो प्रत्येक का वेट जो है 60 ग्राम होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसे मैंने खोल लिया है। तो खोलने के बाद फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पार्ले कुछ इस तरह का आपको एक बंडल में मिल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल जो है कि 24 पीस यहाँ पर रहता है एक गत्ता में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको होलसेल प्राइस पड़ जाएगा 106 रुपये 66 पैसे, मतलब एक बंडल का पड़ जाएगा। और अगर आप पूरा गत्ता का निकालेंगे तो 640 रुपये में पूरा एक गत्ता आपका पड़ जाएगा एजेंसी का रेट, ठीक ना। अभी मैं बताऊंगा कि इसका कटिंग का प्रोडक्ट, मतलब कटिंग में इसे खरीदते हैं तो ये आपको कितना सस्ता पड़ेगा और आप कटिंग का प्रोडक्ट कैसे खरीद सकते हो, चाहे पार्ले हुआ चाहे कुछ भी हुआ, जो कि 10 या 5 रुपये सस्ता आपको मिलता है, ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कितना फायदा होता है, पूरा अगर आप बेचेंगे तो आपको इसमें बेनिफिट कितना होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पूरा एक गत्ता पार्ले बेच लेते हो, ठीक ना, अगर होलसेल का दुकान है, अगर आप पूरा एक गत्ता पार्ले बेचते हैं तो यहाँ पर आपको मात्र 20 रुपये का फायदा होता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 640 लगा करके 20 रुपये फायदा आपको बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि फर्स्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है पार्ले, आप जानते ही होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, 106 रुपये 66 पैसे पड़ता है और 110 रुपये बिक्री है, ठीक ना। होलसेल की दुकान है अगर आपका तो 110 में बिकेगा, ठीक ना, यानी 4 रुपये 50 पैसा जोड़ करके ये लिया जाता है, ठीक ना। 110 रुपये में 24 पीस टोटल होगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर एक बंडल बेचने पर 3 से 4 रुपये का, तीन रुपये कुछ पैसा करीब फायदा होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा कि एक गत्ता में टोटल 20 रुपये का फायदा होगा। सो फ्रेंड्स देखिए, अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि इसका कटिंग, मतलब कटिंग से खरीदेंगे, कटिंग का पार्ले खरीदते हैं तो ये कितने रुपये में मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पार्ले जो है ना, कटिंग का खरीदिए या एजेंसी से खरीदिए, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 2 से 3 रुपये का मात्र डिफरेंट होगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स कटिंग का माल भी सेम यही होता है, इसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। पार्ले जो है कि एक ब्रांड कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी, इसलिए फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप पार्ले को अलावा, पार्ले के अलावा अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें आपको 10 या 5 रुपये का अंतर मिल जाएगा, बट आप पार्ले एजेंसी से लीजिए या फिर कटिंग का प्रोडक्ट लीजिए, आपको सेम रेट मिलेगा। बट एक लोकल भी पार्ले आता है, ठीक ना, जो कि बिहार से या फिर कहीं और से आता है, तो उसका जो होता है कि फ्रेंड्स 635 रुपये पड़ता है, ठीक ना, 635 रुपये में आपको एक गत्ता पड़ जाता है, सेम इसी तरह से रहता है, कोई उसमें चेंजेज नहीं होता है, बट वो डुप्लीकेट पार्ले होता है, मात्र 5 रुपये का अंतर होता है। तो फ्रेंड्स 5 रुपये की वजह से आप लोग डुप्लीकेट ना बेच करके आप लोग ओरिजिनल पार्ले बेचिए। सो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। सो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट कटिंग पर खरीदना हो तो कटिंग का प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप कैसे खरीदेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, एजेंसी छोड़ दीजिए, एजेंसी से कोई यहाँ पर संबंध नहीं है, ठीक ना। आपको जाना होगा सीधे बड़े बड़े होलसेलर के पास, ठीक ना, आपके एरिया में नहीं, आप जहाँ से आपका सामान आता है, जैसे आपके अगल बगल जो बहुत बड़े चौराहे हैं, जो
जो कि गाड़ी से जो सप्लाई करते हैं उनके पास जाना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स वे एजेंसी नहीं लिए रहते, वे डायरेक्ट बाहर से माल मंगवाते हैं और वे सस्ते रेट पर सप्लाई कर देते हैं। जब वह सस्ते रेट पर सप्लाई करते हैं तो उन्हीं को बोला जाता है कि एक कटिंग का माल दे रहे हैं, तो वहाँ से आप कटिंग का माल ले सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब आप एजेंसी से खरीदेंगे तो वहाँ पर GST वगैरह जोड़ करके आपको थोड़ा महंगा पड़ जाता है, बट आप जब डायरेक्ट खरीदते हैं, मतलब किसी जहाँ से बनता है वहीं से डायरेक्ट ले लेंगे, तो वहाँ पर GST वगैरह छोड़ दिया जाता है, बाकी सब 2-4-10 रुपये का डिफरेंस पड़ेगा, यानी 2-4-10 रुपये का अंतर पड़ता है जो कि आपका बच जाता है। सो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कटिंग का प्रोडक्ट क्या होता है और एजेंसी से लेने पर फ्रेंड्स ये कैसे मिलता है, सारा कुछ आपको समझ में आ गया। सो आज इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।